हमारे दैनिक जीवन जीने के लिए जरूरी सभी कार्य बिना कोई तकलीफ के होने चाहिए, जैसे चलना, खाना पीना, पेशाब करना इत्यादि सभी कार्य। उसी तरह संडास भी बिना कोई तकलीफ के होना चाहिए। बच्चे को रोज संडास होता है, उससे ज़्यादा किस तरह होता है यह जानकारी ज़्यादा महत्व की होती है। संडास जब भी हो नरम होना चाहिए, शुरुआत से अंत तक, इस सॉफ्टी आइसक्रीम के जैसा। मल विसर्जन के लिए जोर लगाने की जरूरत होती दिखाई दे तो समझना है संडास सूखा हो रहा है, जिसे कब्ज कहते हैं। हर चार में से एक बच्चा गलत आहार के कारण कब्ज का शिकार हुआ होता है। जब पहली बार बच्चा संडास करते समय जोर करता दिखाई दे तब तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें, कुछ दिन रुककर नहीं। क्या आपका बच्चा ज्यादा दूध ही पीता है? दिन में दो बार फल और सब्जी नहीं खाता है? पानी कम पीता है या ज्यादा बिस्कुट और वेफर्स ही खाता है? तो उसे आज नहीं तो कल कब्ज होने की संभावना है। एक बार कब्ज हो जाने के बाद सिर्फ आहार बदलने और संडास की जगह गोली डालकर उसे संडास करवाने से उसकी कब्ज ठीक नहीं हो पाएगी, यह ध्यान रहे। भूख नहीं लगना और बार बार पेट में दर्द होने की सबसे आम वजह कब्ज यानी पेट साफ नहीं होना होता है। इसके अलावा कब्ज के कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे गैस होना, उनके संडास और गैस में बदबू आना, संडास करने में ज़्यादा समय लगना या बार बार पेशाब होना या बिस्तर में पेशाब होना इत्यादि। संडास करते समय होते दर्द से बचने के लिए कई बच्चे खड़े रहकर ही संडास करना चाहते हैं। कब्ज के कई बच्चों को बार बार चिकना संडास होता है, जिसे दस्त यानी जुलाब समझा जाता है। संडास करते समय कड़क संडास पेट में ही रह जाता है और बार बार नया बना हुआ संडास जो अब तक कड़क नहीं हो गया है बाहर आ जाता है। चार साल से बड़े बच्चों की चड्डी में संडास का लगा रहना यह दिखाता है कि बच्चे को तीव्र कब्ज हुई है, पर माता पिता यह समझते हैं कि बच्चे ने लेटरिन जाने के बाद बराबर साफ नहीं किया है या बच्चा है, कभी खेलने में ध्यान रहने से ऐसा हो जाता है। आइए कब्ज होने के बाद बच्चे के शरीर में क्या बदलाव आता है यह समझते हैं। जब बच्चे को संडास करते समय दर्द का अनुभव होते रहता है तब वह दर्द से बचने के लिए संडास आने पर भी उसे रोकना सीख जाता है। जितना ज़्यादा समय संडास रोका जाता है उतना संडास सूखते ही जाता है और कड़क संडास बाहर आते समय गुदा के स्नायु से घिसकर बाहर आने से वहाँ चीरे पड़ जाते हैं और बच्चा दर्द से बचने के लिए और भी संडास रोकने लगता है। बच्चे के दिमाग को यह दर्द लंबे अरसे तक याद रहता है। कब्ज के बच्चे रोज संडास करते भी हो पूरा संडास नहीं करते हैं, हर समय लेटरिन जाने के बाद मल की कुछ मात्रा आंतड़ी में जमा होती जाती है। ज़्यादा प्रमाण में मल को जमा रखने के लिए आंतड़ी गुब्बारे की तरह फूकती जाती है। लंबे समय की कब्ज के बाद बड़ी आंतड़ी के स्नायु कमजोर ढीले पड़ जाते हैं, इस्तेमाल किए गए पुराने मोजे जैसे। इसीलिए दो महीने से ज़्यादा समय की कब्ज का इलाज बहुत महीनों तक बिना रोके लगातार करना पड़ता है। जब तक फूगी हुई बेजान आंतड़ी फिर से पहले की साइज की नहीं हो जाती है तब तक कई महीनों तक संडास नरम करने के लिए दवा देनी पड़ती है और रोज नियमित समय लेटरिन जाने की आदत बनाने के लिए उसे दवा बंद होने के बाद भी और एक से डेढ़ साल तक भोजन के बाद दिन में दो बार संडास भेजना आवश्यक होता है। कब्ज के कारण बच्चे को भूख कम लगती है जिससे उसका वजन कम बढ़ता है, उसे खून की कमी भी हो सकती है और गुदा के स्नायु पर हुआ घाव फिशर का रूप लेता है। इसीलिए बच्चे को सही आहार देकर उसे कब्ज होने से ही बचाएं। यदि कब्ज हो गई हो तो उसका लंबे समय लगातार और पूरा इलाज करके उसे जीवन भर की कब्ज होने से बचाएं।